समी भाग रहा है दमीर, जल्दी करो, जाकर पकड़ो उसे। तुम मेरा नाम ले रही हो, मत भूलो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ओह वाकई, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही वक्त है इन बातों के लिए? समी नहीं भाग सकता, वो नहीं भाग सकता, उसने हमारा किराया खाया। समी नहीं भाग सकता। हम ठीक हूँ मिट्टू, तुम ठीक हो ना? मिट्टू के साथ मेरा मिट्टू भी फंस के रह गया है। सोहेला मुझे मिट्टू मिट्टू कहना बंद करो, बस बहुत हो गया, पहले ही मैं पिंजरे में फंस गया हूं। जलाल, मेरी बेटी को मेरे सामने डांट रहा है। नहीं बाबा, तौबा कीजिए। बाबा जान, मेरे मिट्टू को तंग ना करे ना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये मेरा मिट्टू। किच 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 मेरा मिट्टू। उसने कितने महीने का किराया नहीं दिया? 6 महीने का किराया नहीं दिया उसने मामू, इन औरतों की वजह से। क्या हमारी वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा यार, हमने पहले ही कहा था किराया भी मत दो, लेकिन मजाल है जो आप लोग हमारी बात सुन ले। अगर बाबा ये फैसला ले लें कि कमरा किराए पर देना है तो हम क्या उनकी बात नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर तुम सिर्फ मेरी बात कर रहे हो तो उंगलियाँ उठा उठा कर अम्मी और बाबा की तरफ इशारे करना बंद क्यों नहीं करते? बहुत हो गया, जान से जाएगा अपनी। ठीक हूँ, वैसे भी मकान देखने आया था तो किस कदर मासूमियत से रिक्वेस्ट की थी, हमें भला क्या पता था कि वो ऐसा भी निकल सकता है ना अम्मी? हाँ हाँ हाँ, अब तो देख लिए ना उसकी मासूमियत के कारनामे। तुम चुप करो लंगूर। हाँ अब तो ऐसे ही बोलेंगी मुझे। हमें तो वो सही लगा था, अब किसी की नीयत हम क्या जाने, और ऊपर से उसने ये कह दिया था कि मैं सहाफी हूँ तो मैं समझिए अच्छा और सच्चा इंसान होगा। वाह प्रियान, क्या बात है, वाह, तुमने मुझे अखबारों की चटपटी खबरों के लिए कहीं का ना छोड़ा, कहीं का। जलाल तुमने भी तो हाँ कह दिया था, अब अपनी बात से पलट क्यों रहे हो? क्या कहा मैंने? कहा अरे तुम पीछे पड़ी हुई थी इसलिए मैंने आ। झूठे इंसान हो तुम। मैं झूठा? मैं तुम्हारे कहने में आ गया था, और क्या करता भला, हद हो गई। मुझे तुम्हारे मुनि लगना अम्मी, सारी मेरी गलती है, अच्छा करके मैं बुरा बन गई हूँ। मैं तो इस आदमी के साथ बहुत इंतजार हो गई हूँ। बाबा
ठीक है बस खुल गया है, निकालो इसे। नहीं बाबा अभी नहीं खुला, बहुत टाइट है, थोड़ी और जालियां काट दे प्लीज। बाबा आराम से कीजिएगा, कहीं सर ना निकल जाए। हाँ। याद रखिएगा मेरा एक ही मियाँ है। काश कैसा हो सकता। बाबा बाबा प्लीज आराम से, मेरी गर्दन निकल जाएगी। चले बाबा जल्दी से इसे निकाल, कहीं बाहर से बाबा ले ले इसको। तू अरे फिर अरे सब देखो से अरे देखना अरे अरे निकल गया क्या? जी जी निकल गया। शुक्र है आजाद हो गया। हाय तुम निकल गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया मेरे मिठू। बहुत थक गया। अब ये कहाँ गायब हो गया, मेरी चीजें तो ऐसे ही गुम हो जाती हैं। यहीं तो रखा था मैंने, कहाँ चला गया? क्या मुसीबत है समझ नहीं आता मुझे। परियान परियान सुनो, अब क्या तुम्हें मुझे और बातें सुनानी है जलाल? ये पिंजरा कहाँ रखूं मैं? मुझे क्या पता, गले में डाल लो अपने जलाल साहब। अब मुझे साहब क्या करोगी? हाँ बिल्कुल, अभी तो थोड़ी देर पहले गैरों की तरह सुना रहे थे, बस जो मुंह में आ रहा था बोले जा रहे थे मुझे। यार गलती हो गई ना, ना जाने क्या क्या कह दिया तुम्हें गुस्से में। तुम्हें भी जब गुस्सा आता है उस वक्त तुम भी तो कुछ नहीं देखती। बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं। हाँ। किसी से भी जाके पूछ लो कि मैं पीठ पीछे किसी की बुराई तक नहीं करती। अब इस बारे में मुझे क्या मालूम, तुम्हें तो बातें बनाना पसंद ही नहीं बिल्कुल भी, तुम्हें तो बस चटपटी खबरें पसंद है। हाँ शायद। यार प्रियान, प्रियान हमने बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला एक साथ किया है ना, तुम्हें अब तक अपने शौहर के मिजाज का पता नहीं चला। मुझे गुस्से में पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो यार मैं इस तरह नहीं रह सकता। प्रियान छोड़ो ना अब यार, या अल्लाह कितनी देर हो गई मुझे सफाइयां पेश करते हुए। तुम्हें तो ये अच्छी तरह पता है ना कि मैं ज्यादा देर तुमसे नाराज नहीं रह सकती। आओ गले लग जाओ मेरी जान, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, कैसे रोकने दूंगा तुम्हें। कितनी देर मियां से माफिया मंगवाती हो। जानू अच्छा क्या ढूंढ रही थी तुम अपने खाने में? सोने का सिक्का। क्या है तुम्हारे पास? हाँ मैंने कुछ पैसे जमा करके लिए थे, इसी दराज में रखे थे, अब नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा ना बस ज्यादा नहीं थे, यहीं रखे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे जिस चीज की जरूरत हो वो उस वक्त नजर ही नहीं आती है। समी बदबख्त, समी बदबख्त, मेरे घर की चीजों पर नजर रखता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे समझा। जलाल चलो जल्दी से ऊपर चल के देखते हैं, शायद वहाँ हमें मिल जाए। तुम किस पर ऐतबार कर बैठी परियान? जलाल तुम गुस्सा करना बंद करो, छोड़ सकता है मेरे साथ। बेटा तुम अब तक शहनाज के कपड़े लिए बैठी हो, बस भी कर दो। मैं तो उनका काम अच्छा करना चाहती हूँ बस। हाय आयशु, ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है, कसम से किसी बुटीक का लग रहा है। यकीन करो कोई पहचान नहीं सकता कि तुमने सिया है, मेरे नाप का भी बना दोगी? जी जरूर। बजाय इसके कि ये अपनी शादी का जोड़ा सिए लोगों को सी सी के दे रही है, ये लड़की तुम्हारी अकल की तो दाद देनी चाहिए। अपने लिए भी जरूर बना लूंगी दादी जान, पर पहले मेरे लायक कोई मिल तो जाए, इतनी भी क्या जल्दी तुम है। हमी तो भरो मिल जाएगा वो भी, पहले मुझे डिग्री पूरी करने दे। तुम्हें डिग्री की क्या जरूरत, तुम 5 साल की थी तब से ये सिलाई शुरू कर दी थी तुमने, बाजार से तरह तरह के कपड़े लाकर कितने हसीन लिबास बनाती हो। बीबी ये डिग्री तो बस बहाना है, वरना आता तुम्हें सब कुछ पहले से है। बात सुनो, अब तक तो तुम्हें उस कॉलेज में प्रोफेसर लग जाना चाहिए, प्रोफेसर। आइडिया तो बहुत अच्छा है दादी जान, मैं प्रोफेसर भी बन जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे अपनी डिग्री पूरी कर लेने दें, उसके बाद वादा करती हूँ कि शादी कर लूंगी, पक्का वादा। ये लो संभालो। मेरी बात सुनो, तुम शादी के लिए कोई यतीम लड़का ही ढूंढना, वरना शादी के बाद उसके घर वाले भी तोहफे में मिल जाएंगे। अरे क्या कहा तुमने बहू,
अम्मी वो मैं इससे ही पूछ रही थी कि इसे शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए, बस यही एक मेहनती लड़का चाहिए मुझे जो बस बच्चों बीवी और घर का आशिक हो। ज्यादा हैंडसम ना भी हो तो चलेगा, बस थोड़ा स्मार्ट हो, थोड़ा सा फनी हो और सबसे अहम बात ये कि मेहनत की कमाई खिलाए। इनकी सब मतलब कि इतनी सारी अच्छाइयां हो उस लड़के में। अम्मी हाँ, इस सोच के साथ ही बूढ़ी हो जाएगी। सही कहा, हो जाए, मैं अपनी बेटी ऐसे नहीं दूंगा। है ना बाबा जान, सच में आपके अलावा मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता इस घर में। मुझे तो तुम एक पागल लग रही हो जो मेहनती शौहर चाहती है। याद रखना कि एक अच्छा शौहर सिर्फ घर दमाद ही हो सकता है। ऐसा भी नहीं है, तुम्हारा बाप तुम्हें भी घर में रख लेगा। जाहिल पागल बाबला, इससे बचाए कोई। You are making me sick. तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम्हारे अंकल भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाए। बताओ तकलीफ हो रही है? हाँ तो ठीक है ना बाबा जान, मैं सिर्फ जाऊंगी भी नहीं। तुम्हें याद है गुड़िया बाबा तुम्हें बचपन में क्या कहते थे कि तुम्हें शीशे के डब्बे में बंद करके रख लेंगे। अच्छा तो भाई आज सभी घर में जमा है, तो क्यों ना तुम आज मुर्ग पुलाव बना लो। जरूर बनाऊंगी, सब खाने को तैयार भी हैं। हाँ बिल्कुल है, चलो जल्दी से बना लेकिन दो। लेकिन ये दावत मेरे बगैर बिल्कुल फीकी होगी। बस मैं ये ड्रेस जल्दी से जाकर शहनाज को देकर आती हूँ। मैं यखनी चढ़ा देती हूँ, तब तक जल्दी आना गुड़िया। फिक्र मत करे बाबा। दमीर आज तुमको मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है, याद है ना? हाँ मुझे याद है, कैसे भूल सकता हूँ। चलो मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। ठीक है। टांगे भी बहुत दुख रही है। कैसी हैं आपा? शहनाज, शहनाज मैं बाहर हूँ। शहनाज, भतीजा चाची, शहनाज, हाँ हेलो, मैं कब से बाहर खड़ी हूँ शहनाज, दरवाजा क्यों नहीं खुल रही हो? 10 मिनट में ठीक है। अच्छा तो मैं ये करती हूँ कि चाचा के पास जाकर वेट कर लेती हूँ, लेकिन अगर तुम 10 मिनट में नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है यार, तुम जल्दी से आ जाओ, मजाक कर रही हूँ मैं। हिलमी चाचा, आज शहनाज नहीं है तो मैंने सोचा आपके साथ चाय पी लूं, क्या ख्याल है? हिलमी चाचा। हेलमेट चाचा इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं? क्या हो गया मुझे? मेरा मतलब हेलमेट चाचा काश असल में इतने हैंडसम होते। हाँ ये मैं क्या बके जा रही हूँ? कौन हो तुम? होश में आओ लड़की, आशा होश में आओ जल्दी से। हेलमेट उस्ताद कहाँ है? हिलमी उस्ताद तो नहीं, लेकिन चाय पी सकते हैं। नहीं नहीं चाय नहीं, मुझे लगा गाड़ी के नीचे चचा है इसलिए सब कुछ कह दिया। आप कौन हैं? क्या नए आए हैं यहाँ? क्योंकि पहले कभी देखा नहीं ना। हाँ नया हूँ, आज ही काम शुरू किया। बहुत अच्छा किया आपने। ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। मेरा नाम आतिश है। और मेरा नाम है आयशा है। अच्छा है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मगर पहले जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे भी अच्छा लगा मिलकर। अब आप छोड़ेंगे सर?
आप ठीक हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस गर्मी लग रही है जरा। हाय, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाय, पता नहीं मैं क्या हॉल फॉल बोले जा रही हूँ। आपको ये सब अजीब सा लग रहा होगा ना? मुझे बहुत अच्छा लगा है। चाय बिल्कुल तैयार है, वैसे साथ पी जा सकती है। अमीर, मेरा दिल पत्ते की तरह कांप रहा है। जा उठ के पानी लेकर आओ। मैं अभी लाया मेरे। हाँ, जल्दी आना। कितना टाइम लगेगा यार, जल्दी करो। कम ऑन, इन मशीन्स पे भी गुस्सा करो तो चलेंगे। आखिर जा क्या रही हो? क्या तुम्हें 1000 का नोट दे दूं तब चलोगी क्या? मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैडम, तो और क्या कहूँ? क्या कहना है, ये मैं सिखाऊं तुम्हें क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपके पास पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं, पैसे ऑलरेडी है मेरे पास। बड़ा देवर तो देखो इसके, पैसे तमीज से डाले जाते हैं और 3 सेकंड के इंतजार के बाद चीज आपके हाथ में होती है। मैकेनिक का काम कर रहे हैं? यूं कह लो, मेरी जींस में है ये काम। बात ये है, मैं तो 3 साल की उम्र से ही अपनी खिलौना गाड़ियां खराब करके खुद ही ठीक करता है। बाद में घर वालों ने खिलौने दिलाना ही बंद कर दिए। हाँ, क्योंकि खिलौने बहुत महंगे होते हैं ना। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसा सोचा भी नहीं मैंने। आपको मालूम है, आपका अंदाज गुफ्तगू बहुत अच्छा है। वैसे आप भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। मेरा मतलब, पढ़े लिखे होंगे आप, कोई ना कोई डिग्री होगी आपके पास। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत ही अच्छी डिग्री ली है। कौन सी डिग्री है? जैसे कि आप देख रही हैं, मैकेनिक हूँ, तो ऑटो मैकेनिक स्कूल से ही पढ़ा हूँ। मैं भी फैशन पढ़ रही हूँ। अच्छा, कितना अच्छा होता अगर हम एक ही कॉलेज में होते। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वजह? मेरे भाई भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे ना। किसी के भाई से ना मैं डरता वरता नहीं हूँ। आपने मेरे भाई को भी देखा नहीं है। ये भाई टाइप ना बहुत निपटा चुका हूँ। बहुत भाइयों की बहनों के दिल तोड़े हैं शायद आपने। ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से भाइयों ने मेरा दिल तोड़ा है। जैसे कि बचपन से ही मुझे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैकेनिक का काम करना पड़ा, और जब फैमिली की बात आ जाए तो इंसान कुछ भी करने को राजी हो जाता है। वैसे जो इस फील्ड में भाई होते हैं ना, वो सबसे पहले हर्ट करते हैं आपको, और आप मजबूरी में इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो वो शख्स हूँ जो बार बार गिरा और बार बार उठा, शाहसवार की तरह। जानती हो, वो शख्स जो गिरने से घबराता है वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। अल्लाह, मैं मर जाऊं। कितना बहादुर है ये, कितना ज़हीन है, ऊपर से इतना मेहनती है। ओह, यानी गिरने के बाद उठने वाला, दुश्मन की बैंड बजा देने वाला। ऊपर से इसका चेहरा तो देखो, यानी कि सुबह जो जो मैंने बताया था दादी जान को, वो सब कुछ है इसमें। या अल्लाह, तूने कितनी जल्दी सुन ली। ओहो, लेकिन इतना हैंडसम लड़का सिंगल तो नहीं हो सकता। आशा, क्या कर रही हो? होश में आओ लड़की, क्या हो गया तुम्हें? ओह, पढ़ाई के बारे में सोचो, तुम्हें डिग्री चाहिए, जल्दी से होश में आओ आशा। लेकिन मैं जिन भाइयों की बात कर रहा हूँ ना, वो एक्चुअली दूसरे वाले हैं। बहुत ही गलत समझ बैठी मैं तो आपको, बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। अरे ऐसी बात नहीं है, आपको कैसे पता होता है ये सब? ये तो बस बड़े होने के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह। और फिर तो शादी भी हो गई होगी आपकी, है ना? नो, यानी वैसे तो एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, लेकिन वो मेरे मिलिट्री के एक फ्रेंड के साथ भाग गई, पता नहीं चला। किस्मत। फिर तो बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आए हैं आप।
क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आ गया आतिश बेटा। माफ करना, बाजार में मुझे कुछ ज्यादा ही देर लग गई बेटा, लेकिन मैंने तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दी थी, बस थोड़ा ही से काम रह गया था। मैंने सब कुछ चेक कर लिया हिलमी उस्ताद, बस चार पेच बाकी थे वो मैंने खुद ही लगा दिए। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि मुझे आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं, और आपके ये कपड़े पहन लिए माइंड तो नहीं किया? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम। आयशा बेटा तुम भी कब से मेरे इंतजार कर रही थी, माफ कर देना। दोनों का लगता है तारुफ हो चुका है। इनसे मिलो, ये है रैली पायलट आतिश अजय, मेरा पुराना कस्टमर है, और ये आयशा बेटी हम सबकी लाडली है। जरूर ऐसा ही होगा। ये मेरी बेटी की शादी के कपड़े बना रही है, बहुत ही जबरदस्त हुनर है इसके हाथ में। तुम्हें भूल ही गया था बेटा, आतिश बेटे को सामने देखा तो आसपास की खबर ही नहीं रही मुझे। कैसे हो बेटा, ठीक हो ना तुम? बेवकूफ हूँ मैं, बेवकूफ नहीं बल्कि बेवकूफों की सरदार हूँ। आयशा, आयशा रुको। आयशा, आयशा प्लीज, आयशा। मजाक था जरा सा, और उसपे ओवर रिएक्शन नहीं हो गया तुम्हारा? वहाँ बैठकर तुमने मुझसे जो जो कहा वो सब कुछ झूठ था। तुम जैसे अमीर जादों के लिए किसी का मजाक उड़ाना ऐसे ही होता है। एक मिनट, अगर ये मजाक इतना बुरा था तो वहाँ बैठी इतनी हंस क्यों रही थी? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम सब कुछ सच कह रहे हो। सुनो, झूठ नहीं बोला मैंने, और उसे झूठ कहते भी नहीं है, ठीक है? मैं तो बस ये चाहता था कि हंसी मजाक से हमारे दिन का आगाज अच्छा हो जाए। हंसी मजाक से? तुम्हें क्या लगा किसी रॉन्ग नंबर पे बात कर रहे हो तुम? यार बस भी करो, अब बस भी कर दो तुम प्लीज। एक छोटा सा मजाक तुमसे बर्दाश्त नहीं, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, क्योंकि जिसे तुम मजाक कह रहे हो ना वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तुम्हारा छोटा सा वो मजाक किसी की जिंदगी है। हिलमी चाचा ने और मैंने अपना घर चलाने के लिए जी है वो जिंदगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपना घर चलाने के लिए बचपन से काम करना कोई मजाक है? मेरे और मेरे बाबा के लिए बचपन से हकीकत है, ये बात समझे तुम? मैं तुम्हारी बातें इतने गौर से सिर्फ इसलिए सुन रही थी कि मुझे लगा तुम्हारा बचपन भी मेरे जैसा था। ओके, मैं समझ गया। देखो सर, इसको एंजॉय करके हंस रही थी तुम भी, तो मुझे लगा शायद तुम मजाक समझ गई होगी। आई एम सॉरी, हाँ गलती मेरी थी। रुको। अच्छा बस, ये नाराजगी रैली इनविटेशन से दूर हो सकती है क्या? हाँ चलो फिर से शुरू करते हैं। अभी जो कुछ मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं था, मैं मानता हूँ, मगर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि पहली मुलाकात में कोई नहीं भाता है लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। इससे भी अच्छी बात भला क्या हो सकती है, वो भी एक दूसरे के करीब आए बगैर। खुद फर्ज हो तुम। आयशा, जी हाँ जी, बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक ठाक है जी, सब ठीक है। ऑपरेशन कामयाब हुआ है, डॉक्टर्स ने कहा है सुबह उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, एक और कॉल आ रही है। ओके बाय बाय। चची जान, जी हाँ बहुत अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल, खालिद अंकल है क्या? क्या वाकई? अल्लाह उनसे राजी हो, मुझे नहीं पता था कि बाबा से इतने लोग प्यार करते हैं। क्या हो गया है भाई? आपको मैं बाद में कॉल करती हूँ। मैनर्स नहीं है क्या? हॉस्पिटल में खड़े हो। अच्छा, औरतें भूल जाती हैं, मैं जानता हूँ। फोन पे बात करते हुए दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। अब देखे पूरा रोड ब्लॉक कर दिया आपने मैडम। पहले तो तुम मुझे ये मैडम कहना बंद करो, और मैं इस जाहिल की मुँह लगी क्यों रही हूँ आखिर? अच्छा जाहिल मैं हूँ या आप? अगर इंसान को कॉल करनी हो तो बेंच पे बैठ जाना चाहिए, सड़क पर नहीं। अच्छा तो आप तो मैनर्स मुझे सिखाओगे, जाहिल इंसान। अच्छा है तुम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, वरना तुम लोग कयामत खड़ी कर दो। अब तू क्यों हॉर्न बजा रहा है? देख नहीं रहा हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग, दिमाग खराब कर दिया। फिर मेरा प्रिंस बन गया, और ऊपर से कह रहा है कि गरीब आए बगैर। प्रिंस माय, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। तुमने
देना चाहा था मुझे उस दिन। सब कुछ बता दूंगा तुरंत कि असल मुजरिम तो तुम हो। अल्लाह मेरी तो नाक ही बंद हो गई है यार, तुम देखना शोएब ये मीठा है भी या नहीं। क्या हुआ? ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया मुझे? इसकी तो नई ऐप बन सकती है। हैं? सिग्नल नहीं आ रहे। तुम पागल हो गए हो क्या? फजूल की बातें कर रहे हो। अगर इसमें खुशबू नहीं आ रही तो इसे मारकर भी ऐसे देख सकते हो। अगर ढोल जैसी आवाज आई तो समझ लेना कि शहद की तरह मीठा होगा ये। ये बिल्कुल ठीक है सुहेला। अच्छा ठीक है, यही ले लेते हैं। कितने हो गए? ज्यादा नहीं, 50 रुपए का। ये लीजिए। थैंक्स। शुक्रिया। ये मीठी है या नहीं ये फोन से कैसे चेक करोगे तुम? कम से कम फलों को तो छोड़ दो। अरे नाराज ना हो, छोड़ दिया। मरा लापा, बस भी कर दे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मिठू, उस बेचारे को गुस्सा आ गया, बहुत गर्मी भी तो है ना। मेरी मैना। हाँ? जानती हो मुझे ऐप का एक नया आइडिया आया है। क्या वाकई? मैं आज ही अर्जुन से मिलके उसको ये नया आइडिया दूंगा। मेरा मिठू। सुनो जी। कहिए आपा। अहमद नजर नहीं आ रहा है आजकल। ऑल वर्ल्ड पहुँचाने का कहा था उसे और अभी तक नहीं पहुँचा है वो। देखो मैं जिम्मेदार नहीं अगर अम्मी से डांट पड़ी। आप अपने साथ ही ले जाए, इन लोगों को याद ही नहीं रहता यार। शुएब, क्या हुआ उस iambarber.combo का? कॉम नहीं, सिर्फ कॉम। वैसे मैं भूल गया था लेकिन अब याद रखूंगा। ठीक है, चलो मैना। ओ मेरी मैना। हाँ? मुझे देर हो रही है, तुम ये इसे पकड़ो, मैं निकलता हूँ, थोड़ा भारी है, संभाल लेना इसे। ठीक है? कोई बात नहीं। बाय बाय मेरे मिच्छू। वक्त और जमाना इंसान के साथ हर वक्त मौजूद रहता है, इसीलिए पेश करता हूँ 50,000 में। कोई है इससे ज्यादा लगाने वाला? 80,000। 80,000 इससे ज्यादा देने वाला है कोई? 85,000। 85,000 है कोई इससे ज्यादा बोली लगाने वाला तो सामने आए। 90,000। 90,000 लगा दी अंकल ने। अगर इससे ज्यादा कोई बोली लगाने वाला है तो हाथ उठाए अपना। अरे क्या हो गया, थक गए क्या आप लोग? अभी तो बोली शुरू हुई है, तो 90,000 फाइनल हो गए। मुबारक हो अंकल, आज से ये चीज आपकी हो गई। जाओ बेटा दे दो। यहाँ आ जाइए। तो आज से कीमती वक्त आपका मुंतजर है। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? बताएं। सीजन का फर्स्ट एल्बम। हाँ, ये आपने कहाँ से ढूंढ लिया बताएं मुझे। बेटा कभी चीजें मैं ढूंढता हूँ और कभी खुद मेरे पास आ जाती हैं। तुम्हारे लिए है ये। हाय, मैं इसे संभाल कर रखूंगी, बल्कि फ्रेम करवा कर दीवार पर लगा लूंगी। हाय थैंक यू सो मच मेरे प्यारे मामू। मैं शॉपिंग कर रही थी, सोचा आपसे भी पूछ लूं, कुछ चाहिए तो आप बता दें मुझे। नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस सेहत साथ देती रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे जिंदगी से। वहाँ देखो 20 साल का साथ, और अब ये जा रहे हैं दुकान बंद करके। जी मैंने भी सुना। अलविदा कहना दुख देता है, चलो आप मिलकर आते हैं उनसे। चले। क्या सोच रहे हो? अगली रेस में नाम लिखवा लिया है तुम? क्या तुम मुझसे हारने के लिए तैयार हो आतिश जी? ऐसा कभी नहीं होने। क्या यकीन है तुम्हें? चलो देखते हैं। हाँ देख लेते हैं। अगर हम सेकंड भी आए तो चैंपियन ही होंगे, उसकी बात मत सुनना बिल्कुल भी। बिल्कुल, मैं क्यों सुनूंगा। चलो फिर निकलते हैं।
इसको एंजॉय करके हंस रही थी तुम भी तो। मुझे लगा शायद तुम मजाक समझ गई होगी, ये नाराजगी रैली इनविटेशन से दूर हो सकती। चलो फिर से शुरू करते हैं। अभी जो जो कुछ हुआ, जो कुछ मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं था, मैं मानता हूँ, मगर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि पहली मुलाकात में कोई नहीं भाता है लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। कह रहे हो ना, वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तुम्हारा छोटा सा वो मजाक किसी की जिंदगी है। हिलमी चाचा ने और मैंने अपना घर चलाने के लिए जी है वो जिंदगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपना घर चलाने के लिए बचपन से काम करना कोई मजाक है? मेरे और मेरे बाबा के लिए बचपन से हकीकत है, ये बात समझे तुम? मैं तुम्हारी बातें इतने गौर से सिर्फ इसलिए सुन रही थी कि मुझे लगा तुम्हारा बचपन भी मेरे जैसा था। क्या हुआ, जल्दी करो वरना वो सब लोग आगे निकल जाएंगे। हारने का इरादा है, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो आतिश, मेरे दोस्त जल्दी करो, ये रेस जीतनी होगी। जज्बाती मत होना आयशा, अकल से काम लो। जगह सेकंड पोजीशन मेरा लेवल नहीं है आतिश जी, तुम जानते हो। तो ऐसा करो ये वापस ही रख दो फिर, और ये पहली पोजीशन आने वाले के लिए बहुत मुबारक हो तुम्हें, गुड लक। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना, क्योंकि पहली पोजीशन मेरी होती है। इस बार तुम इस जीत को अपना बर्थडे गिफ्ट समझ के रख लो। सारी शॉपिंग की है, मैं तो बुरी तरह थक गई हूँ अम्मी। कितनी बातें करती है ये, अब बस भी कर दो तुम, बोले ही जाती है लड़की थकती नहीं। अच्छा ये सामान मुझे दे दे, मैं ऊपर ले जाती हूँ। नहीं पहले मैं इसमें से थोड़ा सामान निकालूंगी और फिर दुकान पर ले जाऊंगी। ये वाला शॉपर दे दो। हाँ ये टमाटर आपके है ना? हाँ हाँ ये के लिए लाई है। तुमने दादी के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई ली थी? सबसे पहले वही ली थी अम्मी, याद थी? आज से सब दवाएं बंद। ये जड़ी बूटियां लेकर आई हूँ मैं, मेरी को उबाल के पीऊंगी। हाँ अम्मी ठीक है, ये भी पी लीजिएगा, लेकिन दवाएं रखना भी साथ जरूरी है। अरे दादी जान को सब पता है, उन्हें क्या करना है वो सब समझती हैं। इन्हें मत समझाए मेरी मलिका, आप चलें। लंगूर कहीं के। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया तमीर। रुके रुके मैं आ रही हूँ। परिहान जलाल भाई कहाँ है? खुदा हाफिज कहने के लिए नहीं आए? भाई मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ पर है। कर देंगे, कहीं भाग नहीं रहे। अमित भाई जल्दी करें, जलाल को जलाल आ गया है फिर से। कर देंगे बिल, कह तो दिया। बस बहुत जलाल, आज मैं बिजली काट के जाऊंगा। हटो, मैंने तो क्या हुआ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हटो, कर देंगे बिल। हमें यहाँ रहते हुए 50 साल हो गए, सिर्फ 3 महीने की बात है, इससे पहले कभी हुआ ऐसा?
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। सबर नहीं करूंगा, हटो। कुछ तो आप रुके, मेरी बात सुने पहले। आपसे पहले जो यहाँ आता था ना, एक समझदार सा अकलमंद सा बंदा, वो कहाँ है अब? उस अकलमंद और समझदार बंदे को जॉब से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो आप जैसे लोगों की मीठी मीठी बातों में आ जाया करता था। लेकिन मैं अपनी ये जॉब नहीं खोना चाहता। हटे सामने। क्या कहा तुमने? करके दिखाओ। तुम लाइट काटो। मैं तुम्हें काटूंगा। अबे तू होता कौन है लाइट काटने वाला? छोड़ो, अच्छा नहीं कर रहे हो, समझे? बात सुनो, अगर तुम लाइट काटोगे तो हम अपना कारोबार कैसे करेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। एक मुलाजिम हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी करके जाऊंगा। हट जाओ, निकलो यहाँ से। जाओ बेटा, तुम तो रुक जाओ। मुझे मजबूर ना करेंगे, मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। चलो बस, क्या समझता है खुद को? खुदा खारत करे, सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से 6 महीने का किराया चला गया, सोने के सिक्के चले गए। ढूंढ कर ही रहूंगा समी को। इस्तांबुल शहर इतना बड़ा है, आखिर एक बंदे को कैसे ढूंढ लोगे तुम? ये मुझ पर छोड़ दें आप। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उसे ढूंढ सकते हैं। फिक्र नहीं करें। क्यों नहीं बेटा, ऐसा करते हैं, तुम्हारी अम्मा और मोहल्ले के सारे लोगों को साथ लेकर ढूंढते हैं उसे। मैं सब संभाल लूंगा बाबा। देखो लड़के, मुझे कातिल बनाना चाहते हो? हाँ, भूल क्यों नहीं जाते समी को? भूल जाओ, नाम भी मत लेना। एक एहसान करो कि परिहान, सुबह से रोना धोना मचाया है, बहुत हो गया। दुनिया छोटी है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जल्दी या फिर देर से वो आदमी मिल जाए मुझे, तो अपने हाथ से उसे वहाँ उस ग्रिल पर नहीं लटकाया। तो तुम सब गवाह रहना और मेरी बात याद रखना, अपना नाम जलाल उस्ताद से कुत्ता रख लूंगा। आयशा, तुम्हारा मसला क्या है? दोस्ती क्यों नहीं करेंगे? मेरा असल मसला तुम्हारी लाइफ से है। देखो, तुम भले बहुत अच्छे होगे, लेकिन मुझसे दूर रहो। हाथ छोड़ो मेरा। हाँ तो कैसे चल रहा सब? अब मजीद तुम्हें यहाँ हम नहीं रहने दे सकते, तुमसे बदबू आती है। हैं? क्या? हमें अपना सब कुछ बेचकर गांव वापस जाना होगा। आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।